विकास दुबे पर कानपुर देहात से एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के करीबियों के घर पर भी ये छापेमारी की जा रही है, जहां एसपी नेता और जिला पंचायत सदस्य के घर भी ये टीम पहुंची है। तो जगनपुर जिला पंचायत सदस्य गुड्डन के घर पर भी छापेमारी की गई। वहीं गुड्डन की दुकान से हिरासत में दो नौकर लिए गए हैं। तो बता दें, कुछ दिन पहले ही गुड्डन की दुकान का विकास दुबे ने उद्घाटन किया था। दूरा कस्बे के बाजार वार्ड में गुड्डन त्रिवेदी का मकान है। तो अभी तक विकास दुबे को पकड़ा नहीं किया गया है और वो कहां पर है इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन लगातार पुलिस की टीमें वहां पर बनी हुई हैं और कोशिश की आखिरकार जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ लिया जाए। लेकिन इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जिस तरह से छापेमारी कर रही है, उसमें मोस्ट वांटेड विकास दुबे के जो करीबी हैं उनके घर पर ये छापेमारी, जहां एसपी के नेता और जिला पंचायत सदस्य के घर पर टीम पहुंची, वहीं जगनपुर जिला पंचायत सदस्य गुड्डन के घर पर भी छापेमारी की गई। दुकान से कहा जा रहा है कि हिरासत में उसके दो नौकर लिए गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस दुकान का उद्घाटन हुआ है और इस दुकान का जो उद्घाटन है वो विकास दुबे के जरिए किया गया। तो रूड़ा करने के बाद आपको बता दें कि रूड़ा कस्बे के बाजार वार्ड में ये गुड्डन त्रिवेदी का मकान है, तो वहां से उसकी दुकान से भी दो जो नौकर वहां पर रखे गए थे उनको भी हिरासत में लिया गया। तो एक एक करके जो विकास दुबे के करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनके घर पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि विकास दुबे कहीं पर भी छिपा हो सकता है और इसी आशंका को लेकर लगातार ये छापेमारी फिलहाल क्राइम ब्रांच की चल रही है। और सुमित गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख लेते हैं। सुमित, क्या अपडेट अभी तक के इस पूरे मामले को लेकर, कहां कहां छापेमारी पुलिस की, क्राइम ब्रांच की? बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से पुलिस जो है सतर्क है, एक्शन मोड में है, क्योंकि विकास दुबे जो है एक अपराधी है जिसकी सबसे पहला इतिहास जो है कानपुर देहात से ही निकलता है। सिवली थाना क्षेत्र में कई मुकदमे भी दर्ज हैं और अब एक बार फिर से पुलिस ने है उनके मुकदमों को फिर से दोबारा खुलवाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्राइम ब्रांच लगातार कानपुर देहात में विकास दुबे के मिलने वाले और जो संपर्क के साथी हैं उन पर छापेमारी कर रहे हैं और ये कल भी एक छापेमारी की गई है। जिस तरीके से गुड्डन सिंह है जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, और जो कि बता दें एक बात कि इसने दो दिन पहले ही विकास दुबे ने इसकी दुकान का उद्घाटन भी किया था और ये समाजवादी पार्टी का नेता भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से बराबर जो है इसके यहाँ पे छापेमारी हुई, इसके नौकरों से पूछताछ की गई और यह भी स्पष्ट बता दें कि जब से यह मामला हुआ है, घटना हुई है, तब से यह गुड्डन सिंह लापता है। जी, अब लेकिन जो सुमित बताया जा रहा है कि दो जो नौकर हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे क्या पूछताछ की जाएगी? उनसे पूछताछ यही चल रही है क्राइम ब्रांच की, कैसे इसके संपर्क थे, कितने बार आता था, क्या बातचीत होती थी, क्या उसके कैसे जाता था, क्या उसके संबंध और भी नजदीक थे, और भी कोई ऐसे लिंक जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि एसटीएफ एसओजी ने उनके नौकरों को पूछताछ करके छोड़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बराबर कानपुर देहात में छापेमारी जरूर है। इससे पहले चाचा के यहाँ पे भी छापेमारी हुई थी, उनकी बहन के यहाँ पे भी छापेमारी की गई थी, जिसके बाद जो है पूछताछ लगातार सिवली थाना क्षेत्र हो या रसूलाबाद हो पूछताछ जरूर कर रही है। जी, और सुमित जिस तरह से अब ये जानकारी मिली है कि एसपी नेता और जिला पंचायत सदस्य के घर पर छापेमारी हुई, गुड्डन की दुकान से भी हिरासत में जिस तरह से दो नौकर लिए गए हैं, जो पहले से ही आशंका जताई जा रही है कि राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं विकास दुबे को मिलता रहा और उसके लिए तब से देखा जाए तो छापेमारी उन जगहों पर भी की जा रही है, यानी कि आने वाले वक्त में हमें कई ऐसे नाम, कई ऐसी पार्टियों से संलिप्तता जो है वो पता चलेगी। अभी कहां कहां और कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो आने वाले वक्त में छापेमारी कर सकती है? बिल्कुल, एक बात बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस जो है बराबर, चाहे पुलिस हो, एसओजी हो, एसटीएफ हो या ईटीएस, बराबर जो है लगातार छापेमारी कर रही है और यहाँ पे जो है कानपुर देहात में विकास दुबे के अच्छे संपर्क हैं, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे जो जिला पंचायत सदस्य हैं या फिर जो है ब्लॉक प्रमुख हैं उनके टच में हैं और तमाम बार उन्होंने इनको राजनीति में उनको जिताया भी है और यही वजह है कि आज उनके साथ ही उनके साथ एक बात पे कहने के लिए खड़े हो जाते हैं।
और यही कारण है कि उनके यहाँ पे भी छापामारी हो रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन उनके जो साथी संगी हैं वो उनका भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर कहाँ है। कहीं ना कहीं ये साफ तौर से जाहिर होता जरूर दिखता है कि जो साथी गायब है उस दिन घटनास्थल पर मौके पर शायद ये भी थे, इसीलिए शायद ये गायब है, और इन्हीं के लेकर पुलिस बराबर इनके घर में पूछताछ कर रही है, नौकरों से पूछताछ कर रही है, घर में जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ कर रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और लेकिन विकास दुबे का अभी तक कोई पता नहीं चला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।